रिसेंटली हमने द सैडनेस मूवी देखी थी, जिसमें एक रेबिस फैमिली से बिलोंग कर रहे वायरस का म्यूटेटेड वर्जन चाइना की सटे देश ताइवान में फैल जाता है, जिससे लोग काफी एग्रेसिवली ब्लड थर्स्टी बीइंग में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो रेप करते हैं, मर्डर करते हैं एंड अपने दिमाग में चल रहे सभी हॉरिफिक थिंग्स को एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि वो खुद के इन्फेक्टेड वर्जन के बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। ये एक तरह की पैंडेमिक ही है, जिसमें सेडिस्ट सबको मारकर, खाकर और टॉर्चर करके इस वायरस को स्प्रेड करते हैं, जिससे सब सेडिस्ट बन जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि सेडिस्ट सिर्फ इस मूवी का टर्म नहीं, बल्कि ये रियल लाइफ टर्म है। ये उन लोगों को कहा जाता है जिन्हें किसी दूसरे को तंग करके, बुली करके अच्छा लगता है, और ऐसा कई लोगों को आपने आसपास में देखा होगा जो बस बुली करके दूसरों को नीचा दिखाकर ही प्लेजर ढूंढते हैं। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही वायरस है जो इंसानों को मोरली करप्ट बना देता है, और वो इसी तरह से स्प्रेड होता है। इस वायरस की ओरिजिन आपको काफी कुछ सोचने पर मजबूर करती है, पर इससे भी ज्यादा क्यूरियोसिटी बिल्ड करती है वायरस से इन्फेक्टेड एविल बींग्स की बिहेवियर, जो अपने टारगेट को मारने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मतलब कि बॉम्ब ब्लो करने से लेकर जॉम्बी जैसे काटने तक ये सब कुछ करती हैं, जिससे सामने वाले को खत्म किया जा सके। इसलिए आज मैं आपको इस फिल्म में दिखाए गए एल्विड वायरस के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि आखिर ये वायरस की ओरिजिन क्या है, सेडिस्ट क्यों इतनी ज्यादा वॉयलेंटली और एग्रेसिवली बिहेव करते हैं, ऐसा कुछ रियल लाइफ में हो सकता है, और इस मूवी में दिखाए गए इस वायरस का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो थोड़ा इंतजार करो, एल्विन वायरस का पोस्टमार्टम करेगा ये मनबुद्धि बालक। जैसा कि आपने फिल्म देखी है तो फिल्म की शुरुआत होती है एक फ्लू के ताइवान की कैपिटल टेपी में फैलने से। इसके बारे में सबसे पहले वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर वांग एक फेमस पॉडकास्ट के जरिए वहां की पॉपुलेशन को चाइना से आए इस एल्विन वायरस से होने वाले मिस्टीरियस डिजीज के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, जिसे एक तरह का फ्लू लोगों को होने लगता है। डॉक्टर वांग बताते हैं कि इस वायरस से होने वाले म्यूटेशन एक्सपर्ट्स तक के मन में डर पैदा कर रहा है, और ये सब वो वहां के सिटीजंस को अलर्ट करने के लिए करते हैं, क्योंकि यह एल्विन वायरस रेबीज से काफी ज्यादा सिमिलर है। लेकिन लोगों को ये शुरू में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की तरह ही हॉक्स लगता है, क्योंकि इसे कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं होते। खैर, सबसे पहले हमें फिल्म में ये बुढ़िया ब्लड सोक्ड कपड़े पहने दिखती है। अब उसके कपड़े में ब्लड क्यों लगे हैं ये क्लियर नहीं है, पर वी कैन अज्यूम कि इसने किसी को मारा है। देन हमें सेकंड इन्फेक्टेड सेडिस्ट मिलता है, यानी कि हमारे हीरो का पड़ोसी मिस्टर लिन, जो फीवर और फ्लू फील कर रहे हैं, पर इस वक्त पर उनमें कोई भी वियर्ड चेंज हमें देखने को नहीं मिलती। स्टिल वो घर पर रहने का डिसाइड करते हैं, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन ये आगे सेडिस्ट बनकर जिम की दो उंगली काट कर खा जाते हैं। खैर, अब जिम रास्ते में जाते हुए कुछ ऑफिसर्स को किसी को पकड़े देखता है, लेकिन जब ये वापस आकर रेस्टोरेंट जाता है तब असली बवाल शुरू होता है, क्योंकि वहां सेम बुढ़िया एंटर करती है, और फिर वो क्या करती है वो तो आपने इसके एक्सप्लेनेशन में देखा ही था। खैर, वो फेस पर एक पर्सन के थूकती है और वो भी इन्फेक्ट हो जाता है, और खुद के दोस्त को ही ब्रूटली मारने लगता है। और फिर जिम जैसे ही वहां से निकलता है सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे वो भी भागने लगता है। मतलब कि ये सीन देखकर हमें लगता है कि ये ज़ॉम्बीज की तरह ही बॉडी फ्लूइड और ड्रॉपलेट से स्प्रेड होते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है, और ऐसा क्यों आगे पता चलेगा। खैर, रास्ते में कई सेडिस्ट लोगों को मारकर टॉर्चर कर रहे हैं, और कुछ तो सेक्सुअल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते हैं। वहीं स्लोली पूरी सिटीज में बवाल हो जाता है, एंड देन सबसे बड़ा बवाल होता है जब प्रेसिडेंट सबको मोटिवेट करने के लिए आता है, पर आर्मी जनरल भी सडनली वहां इन्फेक्ट हो जाता है। मतलब कि बिना ड्रॉपलेट्स और बॉडीली फ्लूइड के कॉन्टेक्ट में आके भी ये इन्फेक्ट कर सकते हैं, विच इज क्वाइट डेंजरस, एंड जिससे ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से भी ज्यादा खतरनाक बनती है। अब देखो, इसमें दिखाया गया वायरस काफी ज्यादा कंटेजियस है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्पिट, ब्लड स्प्लैश और बॉडीली फ्लूइड से कांटेक्ट में आने के साथ एयर के थ्रू भी स्प्रेड होते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये चीज हम नोटिस करने पर पता चलती है कि अगर कोई एयर के थ्रू इन्फेक्ट होता है तो वो देर से इन्फेक्ट होता है, और इसमें ये ट्रांजिशन बहुत ज्यादा स्लो होता है। लाइक उसका नेबर बीमार सुबह में हुआ था, पर वो ट्रांसफॉर्म दोपहर में होता है। वहीं आर्मी जनरल भी उसके साथ नॉर्मल होता है, पर काफी देर बाद सडन चेंज होता है, एंड खुद जिम का भी इन्फेक्ट होना काफी डिले से होता है। मतलब कि जब वो सिरकटी लड़की को देखता है, यानी कि जब उसे हेलुसिनेशन होता है, उसके काफी देर बाद मूवी के एंड में वो ट्रांसफॉर्म करता है। तो इट्स काइंड ऑफ कंसर्निंग फॉर एवरीवन। अब जिसमें भी ये एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है उसमें कुछ सिम्टम्स आते हैं, लाइक शुरुआत कॉमन फ्लू से होती है, देन विक्टिम को कंफ्यूजन फील होती है, एंड उसके बाद उन्हें हेलुसिनेशन होने लगती है, जिससे जिम को सिरकटी लड़की दिखाई दे रही थी। इसके बाद उन्हें थोड़ा डर लगने लगता है, और वो एक ऐसे स्टेट में चले जाते हैं जहां उनकी ब्रेन में सब कुछ ठीक ही लगता है, और वो बस सबको खत्म करना चाहते हैं। खैर, टर्न होने पर उनके प्यूपल्स ग्रो हो जाते हैं एंड आंखें लाल हो जाती है,
एंड फर्दर उनकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। इसके बाद अगर उन्होंने क्रीपी तरीके से स्माइल की तो समझ जाओ दे हैव इंटर इनटू द मर्डरस स्टेट, जहां वो सबको मारेंगे। ये इन्फेक्टेड सेडिस्ट टेरिफाइंग होते हैं, क्योंकि जब ये वायरस के द्वारा कम्प्लीटली टेक ओवर कर लिए जाते हैं तो वो एक तरह से नॉन स्टॉपिंग एविल पर्सनैलिटी बन जाते हैं। सेडिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद उनका इकलौता मकसद विक्टिम और सेन लोगों को ढूंढना है एंड देन उन्हें वायलेट करना, यानी कि रेप करना, उन्हें ब्रूटली टॉर्चर करना और या तो उन्हें मार डालना है। मतलब कि यहाँ वो वायरस इन्फेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि बस नॉर्मल लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं और उसके बाद वायरस खुद ही फैल जाता है। खैर, वो ये सब एक्टिविटी करते हुए वो राक्षसों की तरह एविल स्माइल करते हैं टू सिग्निफाई दैट दे आर हैविंग प्लेजर व्हाइल डूइंग दीज अब्सर्ड एक्टिविटीज। हालांकि ज़ॉम्बीज की तरह ये सड़े हुए नहीं लगते हैं और ना ही ये स्लो चलते हैं, बल्कि ये पूरी तरह से शैतान ही बन जाते हैं। इनके पास दिमाग और इंटेलिजेंस होता है बस बुरे कामों को करने के लिए। बेसिकली वायरस से इंसानों में हर नेगेटिव चीज लाइक वॉयलेंस, ग्लूटनी करने की इच्छा भर दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक प्लॉट ट्विस्ट ये है कि कोई सेडिस्ट दूसरे सेडिस्ट पर अटैक नहीं करते, क्योंकि उन्हें सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगी जब उनके विक्टिम सफर करेंगे। मतलब कि जैसे ही उन्हें वो तड़प की आवाज सुनाई देगी, उन्हें लगेगा कि उनकी बेसिक इंस्टिंक्ट्स सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन आखिर एलियन वायरस कैसे इन्फेक्ट करता है और ऐसा क्या करता है जिससे कोई वॉयलेंट बनता है? साथ में इस मूवी का नाम सैडनेस क्यों है और कोई भी सेडिस्ट टर्न होने के बाद रोते क्यों हैं? मतलब कि उनकी आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं? तो देखो, इससे पहले कि आप एलियन वायरस के इन्फेक्ट होने के तरीकों को समझो, आपको वीडियो लाइक करके बताना है कि आप ऐसे वायरस के पोस्टमार्टम वाली वीडियो पसंद करते हो या नहीं। टारगेट 4000 लाइक्स का है एंड सब्सक्राइब कर देना, हमें सितंबर बीतने से पहले 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं तो कर देना। अब चलो जानते हैं इस फिल्म के नेम की वजह और आखिर क्यों इन्फेक्टेड लोग रोते हैं। तो सम थियोरीज के अकॉर्डिंग इन्फेक्टेड पर्सन को पता होता है कि वो ऐसा काम करने वाले हैं। वो जानते हैं कि वो कितना घिनौना काम करेंगे जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, जिसके लिए वो रिग्रेट करते हैं, पर उसे ना करने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। और जहां तक बात है सैडनेस नाम की, तो ये नाम दो तरीकों से बन सकता है। पहला तो ये कि लोग चूंकि क्राइम कमिट करने से पहले रोते हैं और उदास होते हैं और फोर्सफुली वो क्राइम कमिट करते हैं, तो वो चूंकि काफी ग्रूसम काम कर रहे होते हैं तो वो उदास होते हैं एंड अपने आगे करने वाले काम के लिए, तो यहाँ सैडनेस हो सकता है इंस्पायर्ड हो। और दूसरा लॉजिक है कि सेडिस्ट और सैडिज्म एक एक्चुअल रियल लाइफ टर्म है जो उन लोगों को कहते हैं जिन्हें दूसरों को तंग करके बुली करके काफी अच्छा फील होता है, तो ये उससे भी लिया जा सकता है। अब चलो समझते हैं कि एलियन वायरस कैसे इन्फेक्ट करता है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो ये बहुत ज्यादा कंटेजियस है, क्योंकि एक दिन के अंदर ही 15% लोगों को ये इन्फेक्ट कर दिया था, जो कि करीब ताइवान के 35,00,000 लोग होते हैं, जो कि काफी बड़ा फिगर है। इसके अलावा वायरोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो इस वायरस पर 1 साल से रिसर्च कर रहे हैं एंड उन्हें पता था कि ये वायरस नेचुरली म्यूटेट करेगा और ये वायरस के इस्तेमाल आरएनए में मौजूद चेन्स ऑफ प्रोटीन एंड स्मूथ जीन्स के वायरस में मिले चीजों से पता लग गया। अब देखो, रेबीज वायरस का ग्रुप इस तरह से अटैक नहीं करता है, बल्कि रेबीज वायरस स्पाइनल कोड पर अटैक करता है एंड देन वहां से ये ब्रेन तक पहुंचता है। एलियन वायरस ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम पर अटैक करता है, जो उन एग्रेशन को रेगुलेट करने वाले और इम्पल्स को गवर्न करने वाले एरिया को कनेक्ट करती है। ये दोनों एरिया काफी सिमिलर होती है, जिससे कोई इन्फेक्टेड पर्सन इतना वॉयलेंट हो जाता है। जब ब्रेन में मौजूद लिम्बिक सिस्टम एलियन वायरस के कब्जे में जाता है, तो बाकी ब्रेन फंक्शन बिल्कुल सही रहती है, बस इन्फेक्टेड पर्सन काफी एट्रोसियस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। इसके अलावा इस वायरस से कुछ इम्यून लोग भी हैं जो पूरी तरह से एक्सपोज हुए हैं, बट स्टिल दो उनके कॉन्टेक्ट में आने के बावजूद उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आया, तो इसकी वैक्सीन बनाई जा सकती है। हालांकि देखो, ये चीज जैसा देखा गया है कि इंसान पूरी तरह से नॉर्मल होता है, बस उसमें एविल माइंडसेट आ जाती है और एक सेडिस्ट चूंकि दूसरे सेडिस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो बस अगर हम सभी में ये एलियन वायरस इंजेक्ट कर दें, तब आई गेस सभी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी और हम इस वायरस को कंट्रोल कर लेंगे। खैर चलो, ओवरऑल ये फिल्म काफी हॉरर है और आपको सदमे में डाल सकती है अगर आप कभी ग्रूसम या गोर कंटेंट नहीं देखते हैं। अब आप चाहो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो चेक कर लेना। पर अगर आपको आई एम लेजेंड में दिखाए गए क्रिपिन वायरस को जानना है, जो इससे काफी सिमिलर है, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।